नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे आमलेट की दुकान के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि मेरी ऑल टाइम फेवरेट रही है और जहाँ पे मैं कभी भी आमलेट खाने को तैयार रहूँगा। यह जगह इंदौर में है और ये खालसा कॉलेज के सामने राज मोहल्ला चौराहे पर इनका ठेला लगता है। और आज ही नहीं, मैं शायद 1991 के ज़माने से इनके यहाँ पे आमलेट खाता था और करीब करीब 17-18 साल जो है मैंने इनकी शॉप पे कई कई बार, शायद लगभग लगभग रोज़ ही गया हूँगा मैं। कुछ साल तो ऐसे थे जब मेरे कॉलेज के दिनों में जब मैं इनकी शॉप पे आमलेट खाता था। और मैं ये कहूँगा कि इंदौर के बेंजो जो है आमलेट जो है इंदौर में एक बहुत ही अलग तरीके से खाया जाता है। ये देखिए, जैसे आप देख रहे हैं, ये बन के अंदर जो है ये आमलेट डाल के खाया जाता है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। इनफैक्ट मैंने दिल्ली में या सब जगह पे ब्रेड में खाया हुआ है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि ये जो इंदौर में जो इस प्रकार से बन के अंदर जो आमलेट डाल करके इसको खाने की जो प्रक्रिया है, जिसको कि बेंजो कहा जाता है, ये बहुत ही स्वादिष्ट रहता है। और शायद इंदौर के सबसे बढ़िया बेंजो बनाने वाली दुकानों में से एक ये है। इन साहब के हाथ से मैं शायद 1991 से बेंजो खा रहा हूँ और आज भी मैं अभी बीच में इंदौर गया था कार लेकर के दिल्ली से, तो उसके बाद ये उस समय मैंने इनकी शॉप पे बेंजो खाया था। ये उसी समय का वीडियो है। और मैं ये कहूँगा कि पिछले 30 सालों में जो है इनके जो हाथ का स्वाद है वो बिल्कुल नहीं बदला है। ये देखिए, इनकी एक विशेषता है, ये यहाँ पे प्याज काट के देते हैं, साथ में एक सॉस है इनका, बहुत ही टेस्टी रहता है। और इस प्रकार से देखिए, ये जो आमलेट बना इन्होंने, इसको काटा और ये आप प्याज के साथ जो है छोटे छोटे स्लाइसिस के साथ जो है ये बेंजो खाने को देते हैं। और मैं कहूँगा कि अगर आप इंदौर में हैं कभी तो आप अवश्य ही एक बार तो ज़रूर राजमोहल्ला चौराहे पर जाकर के इनके यहाँ का बेंजो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इनफैक्ट ये एक ऐसी शॉप है, एक ऐसा जायका है जो आपको ज़िंदगी में एक बार ज़रूर टेस्ट करना चाहिए। आप भी कभी इंदौर आए या राजमोहल्ला साइड पे हो तो एक बार इस शॉप पे बेंजो ज़रूर खाइएगा। थैंक यू।